How to say no to the boss? What do you think that? What is the best answer? कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता. अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो आप बिफोर हैंड उनको बताओ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. अगर आप फ्रंट पे ही उनको कह दोगे कि नहीं बॉस मैं तो कर लूँगा, अगर आप कहो कि नहीं मैं वेंसडे तक ट्राई करूँगा बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, प्रॉबेबली ये वीक गुजर सकता है. टेक इट इन अ चांस कि नहीं आगे भी इसको टाइम लग सकता है. आप थोड़ा सा डिले करके आप मंडे तक भी उनको काम दे दो तो दैट वोंट बॉदर हिम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकद्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक के कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई एक ऐसे एपिसोड पे आप बात करें, एक ऐसे टॉपिक पे बात करें, एक ऐसे एपिसोड रखें जिसके अंदर आप ये डिस्कस करें कि किस तरह जो पहली जॉब होती है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है या फिर आपकी हेल्प और सपोर्ट करती है. अक्सर हम कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब आप पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं, मतलब आप पहली नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको टफ़ टाइम मिलता है. और बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि मैंने पहली नौकरी जब की थी तो फिर मुझे बड़ी मुश्किलात आई थी. ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या ये एक मिथ है या क्या वाकई ये हकीकत है कि पहली नौकरी बहुत मुश्किल होती है? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एज प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान. लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है लैबा तारिक. लैबा इज़ करंटली वर्किंग एज ए सीनियर रिक्रूटर एट वॉल्ट्रो. आइए मिलते हैं लैबा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन. लैबा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. वेलकम ऑन बोर्ड सिस्टर. थैंक यू सो मच, आई एम एक्साइटेड एज़ वेल. ग्रेट, वंडरफुल. सो लैबा द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई नो व्हेन वी वर डिस्कसिंग जी, जब आप पहली नौकरी करते हैं तो अक्सर कोई भी जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तजुर्बा आ जाता है तो वो ये कहता है देखा मैंने पहली नौकरी की थी तो मैंने ये सीखा था, मेरे बॉस ने मुझे एक टफ टाइम दिया था और इस तरह से था. सो हम इस पे तो ज़रूर बात करेंगे. वो वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि जब आपने अपनी पहली जॉब की थी तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी और कितना टफ टाइम बॉस से मिला था. अच्छा, फर्स्ट जॉब इट्स आई थिंक इट्स ऑलवेज टफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल क्योंकि यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स द प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ योर्स, द लर्निंग, बहुत चीज़ों को नहीं पता होता. मैं जब एज एन इंटर्न मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे बॉस ने बस मुझे ग्राउंड में छोड़ दिया था. ही वॉज लाइक कि आप खुद बनाओ जो बनाना है, आप मुझे ये ला के दो, आप मुझे वो ला के दो. और मैं बस सोच रही होती थी कि मैं कैसे ला के दूँ, मतलब कहाँ से बनाऊँ. फिर मुझे सारी रिसर्च करनी पड़ती थी और फिर मैं जब जाके अपने बॉस को देती थी तो ही वेंट लाइक नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं आया. तो मैं जब भी कुछ भी बना के लाती थी तो सर मुझे कह देते थे कि नहीं मुझे तो ये बात पसंद नहीं आई, मतलब कुछ और इसके अंदर ऐड करके लाओ. अब मुझे एक ही काम 3-4 दफ़ा करना पड़ता था और मुझे पता था कि मैं अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे रिसोर्सेज से, दूसरे HRs के से बात कर करके मैं उनसे काम करती थी. बट यू नो वो भी एक लर्निंग पॉइंट होता है कि आप बार बार एक चीज़ कर रहे हो रिपीट पे, आप उसी चीज़ को और बेहतर करते जा रहे हो और बेहतर करते जा रहे हो. तो स्टार्टिंग के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा टफ था. मैंने बहुत कोर्सेज़ किए HR के ऊपर और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के क्रिटिसिज्म से, स्पेशली फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि जब एक स्टार्टअप में आप काम कर रहे होते हो तो दे आर नॉट रियली यूज टू इट कि कोई नया बंदा आके उसके अंदर करे इन्वॉल्व हो, दे गेट वेरी इनसिक्योर अबाउट इट. तो वहाँ से बहुत क्रिटिसिज्म देखे. आई वॉजन्ट यूज टू इट कि कोई बंदा जो है वो क्रिटिसाइज़ करेगा आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. आई ऑलवेज थॉट कि ऑफिस के अंदर लोग बड़े अच्छे होते हैं, दे आर वेरी नाइस एंड सम ऑफ देम दे आर वेरी नाइस, लेकिन ऑब्वियसली हर जगह जो है डिफरेंट लोग होते हैं, इट्स चैलेंजिंग एवरीवेयर. तो वो मुझे बड़ा फेस करना पड़ा. सही. अच्छा लैबा, जब ये डांट पड़ती थी और जब आप एक दफ़ा
आपने बना के जाती थी, कोई भी टास्क कंप्लीट होता था तो किस तरह से वो स्टांट को बंदे को 10 मिनट के लिए समझ नहीं आती, 15 मिनट के लिए, यार देखो मैंने 2 दिन लगा के, इतना टाइम लगा के मैंने एक असाइनमेंट की और मेरी फर्स्ट जॉब है, अगले बंदे को भी ये पता है यार कि ये इसकी फर्स्ट जॉब है, फिर कहीं जा रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो आता नहीं है, तो वो कितना टाइम फ्रेम लगता था अपने आप को कम बैक करने में और क्या तरीका होता था, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट हो, हमें यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो देख रहे होंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला आज के एपिसोड टॉपिक, तो फिर वो जब डांट पड़ती थी तो फिर आप किस तरह काम बैक करती थी? अच्छा, पहले जब मुझे स्टार्टिंग के अंदर डांट पड़ती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मैं अपनी सीट पर जाके बैठी रहती थी और मैं सोचती रहती थी कि अब मुझे बाहर निकाल देंगे ये लोग, मुझे तो काम आता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने इतना डांटा, माशाल्लाह मुझे इतना डांटा, बार बार मुझे उन्होंने इतना डांटा कि मैं पहले महीने में जाके घर आके रोई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा मुझे काम बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ये मुझे नहीं रहने देंगे यहाँ पे। उनको पता है मुझे बिल्कुल नहीं काम आता, फिर भी मुझे डांटते रहते हैं। बट फिर एक महीने के बाद आई अंडरस्टूड, मैंने कहा यार मैंने काम करना है, यू नो नोबडी एल्स इज़ गोना डू दैट फॉर मी, सो आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग। फिर जब वो डांटते भी थे तो फिर मैं कहती थी अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और फिर मुझे एक अलहदा से एक अर्ज होती थी कि नहीं यार मैंने काम ठीक करके देना है और मैं इनको बताऊँगी कि मुझे काम आता है। फिर वो 2-3 महीने के बाद भी मेरे अंदर एक ये वाली चीज़ है, और अब तक ऐसा ही होता है कि वो उस ट्रेनिंग का एक ये है कि अगर मुझे कोई डांट देता है तो मैं उस चीज़ को डबल एफर्ट करके ठीक करके ला के देती हूँ, थोड़ी चीज़ों से देख दूँ कि नहीं यार ये चीज़ गलत थी, जो चीज़ गलत थी उसको सही करके मैं अपने बॉस को बताऊँगी कि नो दिस वॉज राइट। और समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स बॉस भी गलत होते हैं, समटाइम्स ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि मैं हमेशा ठीक होती थी, लेकिन समटाइम्स होते हैं बिकॉज प्रॉब्ली उनको भी नहीं आइडिया होता कि ऑफिसर्स के अंदर जो है वो किस तरह की चीज़ें चल सकती हैं। तो पहले मैं उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करती थी, पहले वो बस जो कहते थे मैं हाँ जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि नहीं, अब मुझे पता होता है जो चीज़ के नहीं जो ठीक है तो मैं उसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यू करती हूँ कि नहीं आपको नहीं पता ये चीज़ ऐसे ठीक होगी एंड आप देख लीजिएगा ये चीज़ ऐसे ठीक होगी। एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन कंपनीज तो फिर वो बेटर हो ही जाता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ अमूमन कल्चर है जहाँ पर हम कहते हैं यस बॉस हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम आपको करके दिखा देंगे, और उसी फर्ते जज्बात में हम यस तो कर देते हैं, लेकिन जब डेडलाइन आती हैं तो फिर हम उसको कर नहीं पाते। हाउ टू सी नो टू द बॉस बड़ी अच्छे तरीके से, उसको बुरा भी ना लगे और आप कहेंगे नहीं यार ये काम जो है ना ये ऐसे नहीं हो सकता आर्गुमेंट के बगैर, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता? अच्छा आई थिंक कि अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो आप बिफोर हैंड उनको बताओ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस इन दिस डे, लेकिन 1-2 दिन डिले भी हो सकता है। अगर आप फ्रंट पर ही उनको कह दोगे कि नहीं बॉस मैं तो कर लूँगा, अगर आप कह रहे हो कि मैं वेंसडे को कर लूँगा काम, तो ही विल एक्सपेक्ट दैट वर्क ऑन वेंसडे। अगर आप कहो कि नहीं मैं वेंसडे तक ट्राई करूँगा बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, प्रॉबेबली ये वीक गुजर सकता है, तो फिर ही माइट टेक इट इन अ चांस कि नहीं आगे भी इसको टाइम लग सकता है। एंड देन ऑब्वियसली आपने काम तो करना ही है, आप थोड़ा सा डिले करके आप मंडे तक भी उनको काम दे दो तो दैट वोंट बॉदर हिम, आई थिंक दैट। सही। अच्छा जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो अक्सर बॉसेस का एक स्टाइल होता है सबके सामने लताड़ देना, डांट देना। अच्छा बंदे को बड़ा फील होता है, बंदा कहता है यार देखो मेरी तो पहली नौकरी है, क्लास भी करनी चाहिए थी तो सेपरेट करनी चाहिए थी, और अगर समझाना भी चाहिए था तो सेपरेट करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना हो तो फिर अकेले में करते हैं, डांटना हो तो सबके सामने डांट देते हैं। अच्छा जब आप पूछते हैं कि आपने सबके सामने डांटा तो देखो मैंने एक सेट करना है बेंचमार्क, लोगों को पता भी चलना चाहिए कैसा है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अच्छा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। माशाल्लाह मेरे पहले बॉस ने जो है वो ना मुझे कभी लोगों के सामने डांटा एंड ना ही मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एंड उस चक्कर के अंदर डांट तो मुझे फिर भी पड़ जाती थी ऑफिस के अंदर ही बिल्कुल, मतलब आई एम सो ग्लैड कि ही वॉज़न्ट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि आपको पूरे ऑफिस के आगे ह्यूमिलिएट करता है, ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय। लेकिन हाँ अप्रिसिएशन उनके अंदर बहुत कम थी, मतलब मैंने वहाँ पे 1.8 मंथ्स वहाँ पे काम किए, ठीक है 1.8 ईयर्स काम किए मैंने वहाँ पे, और मैं इस अर्ज में रहती थी कि मुझे उनकी ना अप्रिसिएशन चाहिए जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ की मिलती है, और मैं अपनी हर एफर्ट करती थी वहाँ पे हर चीज़ के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, इवेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए।
लेकिन फिर भी वो नहीं मिलती थी. एंड देन व्हेन आई वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, जो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया था, दैट वाज वन डे जब उन्होंने एक्चुअली मेरी सही मुझे बताया कि नहीं, तुमने जो है वो कंपनी को बहुत ऊपर उठाया है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी. सही. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दैट नाउ माशाल्लाह यू हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, सो द फ्रेश ग्रेजुएट्स आर फॉलोइंग यू, आई मीन यू आर एक्टिव ऑन LinkedIn, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, पोस्ट पे आपकी भाषण लगती रहती हैं. डू यू थिंक दैट कि ये जो आपकी एक स्टोरी है, मतलब हर इंडिविजुअल की एक स्टोरी है जब वो फर्स्ट जॉब करता है, जिस कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसी तरह ट्रेनिंग आपकी पहली जॉब में होनी चाहिए, आपको टफ टाइम मिलना चाहिए ताकि आप लर्न करें या फिर छोड़ के भाग जाएँ? आई थिंक कि टफ टाइम मिलना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए. आई थिंक कि अगर कोई बंदा इनिशियली कहीं पे स्टार्ट होता है, एटलीस्ट अ कंपनी शुड टेल दैट पर्सन कि आप कहाँ कहाँ आपको क्या क्या करना है इनिशियली. उसके बाद ऑब्वियसली टफ टाइम, दूसरा टफ टाइम जो है वो आपको हर बंदे को करना पड़ता है, हर फ्रेश ग्रेजुएट को जाना पड़ता है. इवन इन दिस कंपनी आई हैव अ फ्रेश ग्रेजुएट विद मी इन HR, बट वी टोल्ड हिम कि कैसे काम करना है, वी आर देयर टू हेल्प हिम आउट. मुझे हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, आई वॉज दैट ओनली पर्सन इन HR. बट वेयर देयर टू हेल्प हिम आउट. बट उसके अंदर फिर मैं देखती हूँ उस बेचारे के पास लूप होल्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, वो बार बार सेम मिस्टेक्स करते हैं. मेरे पास ये ऑप्शन नहीं थी. आई वॉज देयर फॉर जस्ट वन मिस्टेक, और दूसरी मिस्टेक के ऊपर प्रॉब्ली आई वॉज आउट ऑफ दैट ऑफिस. तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल, आई थिंक इट्स गुड फॉर यू कि आप खुद सीखते हो सारी चीज़ों को, दैट्स एक्चुअली नाइस. असल में होता ये है कि जब आप कॉर्पोरेट में या किसी भी इदारे में काम करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप ने 16 साल पढ़ा तो आप सीख कर आए होंगे, तो उनको ये लगता है यार इनको ऑलरेडी पता है. अच्छा, आपको कभी ये सवाल किसी ने किया, भाई आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा क्या, आपने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है, आपको तो आता ही कुछ नहीं है, तो कभी इस तरह का कोई सिनेरियो था जो आपने फर्स्ट जॉब में आपने ऐसे फेस किया हो? कि अक्सर औकात ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं. नहीं, ऐसे क्वेश्चन सुनने के लिए मिलते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन देन अगेन आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपको बताया जाता है और आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जो होता है, दैट इज़ वे डिफरेंट. आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता. आपकी ऑफिस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपको प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए करती है. हो सकता है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का पता हो यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उनको डील कैसे करना है, उनको उनको कैसे आपने अप्रोप्रिएटली अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना है, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको कभी भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बता सकती. वो आप ऑफिस के अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा. एंड मोस्टली अब आई थिंक बॉसेस को इस चीज़ का आइडिया है, पहले नहीं था. ग्रेट. लाइकवाइज वाज अ वंडरफुल सेशन. आई मीन सिस्टर, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर. माशाल्लाह, यू स्पोक रियली वेल. आई रियली एंजॉयड द होल डिस्कशन. थैंक यू. एंजॉयड द होल डिस्कशन एज़ वेल. थैंक यू. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आपके एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ आपके एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दोस्तों, आज लैबा हमारे साथ थी, उन्होंने हमें ये बताया कि जो पहली नौकरी होती है, अक्सर औकात कहा जाता है कि वो बड़ी टफ थी और बड़ी मुश्किलें आई थी मुझे, ऐसा क्यों है. उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, मुश्किलात आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को आपने कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटीज़ में. समटाइम आपका जो सीनियर होता है, आपका जो बॉस होता है, उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि आपको तंग करे, उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो आपको सिखाए, वो आपको बताए, वो आपको ये भी बताए कि आगे करियर में आपने मूव किस तरह से करना है. लेकिन ये डिपेंड करता है, अच्छे बॉसेज मिल जाते हैं और बहुत सारे टफ बॉसेज मिल जाते हैं जो कि काफ़ी मुश्किलात जो है वो आपके करियर में पैदा कर देते हैं. ये ना हो कि इतनी टफ ट्रेनिंग आपकी चल रही हो और आप दब जाएं और आगे जाके सही तरह से परफॉर्म ही ना कर सकें. तो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा लीडर लेके आए, कोई अच्छा मेंटर लेके आए जिससे आप सीख सकें. दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. टेक केयर. बाय बाय.